हांसी की हनुमान कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मृतक महिला के परिजनों ने हांसी के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। मृतक महिला अनीता के परिजनों ने बताया कि 5 तारीख को अनीता की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया, लेकिन करीब 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पति, सास, देवर, ननद सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत के भी आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो आने वाले दिनों में आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ऐसा है, हमारी जो सिस्टर है वो हसीन है, हनुमान कॉलोनी के अंदर जो है ब्याही गई थी और उनके जो ससुराल वालों ने उसकी जो है गला घोट करके हत्या कर दी 5 तारीख को। 5 तारीख को हत्या करने के बाद से ही जो है आरोपी फरार हो गए थे जी। उसके घर से जो है डेड बॉडी हम लेकर के आए हैं, उसका पोस्टमार्टम कराया है, उसके बाद उसका दाह संस्कार हमने हिसार में किया है। अब जो हम प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पोस्टमार्टम होने के बाद से ही पुलिस वाले वहाँ से रिपोर्ट ले आए थे उसी दिन, लेकिन हमारे को 10 दिन तक इस धोखे में रखा गया कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। हम लगातार 10 दिन तक थाने के चक्कर काटते रहे। उसके बाद हमने अग्रवा मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पे हमने पता किया तो हमें पता चला कि कोई राकेश नाम का बंदा जो है वो रिपोर्ट लेकर के चला गया है। उससे हमने फ़ोन पे बात की तो उसने ये कहा कि जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट बनाई थी उसके ऊपर हमारे को डाउट था, इसीलिए हमने आपको रिपोर्ट जो है वो नहीं बताई। अब जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट बना रखी है सर, उसमें 80% ये क्लियर किया हुआ है कि उसकी मृत्यु की, उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई है गला घोट करके, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब किस किस के अधिकारी से मिल चुके हैं? हम DSP साहब से भी मिल चुके हैं जी, और SP साहब से भी कई बार मिल चुके हैं। तो क्या आश्वासन, क्या आश्वासन दिया है? अभी SP साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि 3 दिन बाद एक रिपोर्ट और आनी है, उसके बाद हम उनकी जो है कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा आश्वासन एक बार पहले भी वो हमारे को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज? 302 के तहत मुकदमा दर्ज है जी, 120B, 302 और 34। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है सर इस केस के अंदर। तो हम आप लोगों से, हम 1 महीने करीब हो गया है जिस बात को, तो हम हायर अथॉरिटी से जो है यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए और इस मामले की तफ्तीश कराई जाए, निष्पक्ष जाँच कराई जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए।